आप रात में घूमने को निकलते हैं, आपको कोई अजीब अजीब आवाज सुनाई देते हैं, आपके सामने एक ऐसा बिना नाक आंख वाला आदमी खड़ा हो जाए जिसका रंग भी हरा हो, तो भाई आप में से बहुत सारे लोगों की तो फटके हाथ में आ ही जाएगी। ऐसा ही कुछ पेंसिल्वेनिया की दादी लोग कहानी अपने नाती पोतों को सुनाती थी। यह कहानी भाई कहानी नहीं थी बल्कि एक सच्चाई थी जो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियो देखते ही रहने के लिए फिर से सब्सक्राइब कर देना। क्या जाता है भाई, इस कहानी के शुरू से शुरू पे पहुँचते हैं, मतलब यह कहानी कैसे प्रकाशित हुई, मतलब कैसे आई। सबसे पहले यह जो नो फेस चार्ली है इसका असली नाम रेमंड थियोडोर रॉबिन्सन, भाई नाम गलत हो तो माफ कर देना। इनका जन्म 29 अक्टूबर 2010 में होता है। ये एक फिंस के नागरिक होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बताएंगे कितनी बार भाई बताएगा ये सब। तो आगे बढ़ते हैं। रेमंड रॉबिन्सन जब 8 साल के थे तब वे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बीवर फॉल्स के पास जाते हैं और वहाँ पर मोराड ब्रिज के किनारे एक पेड़ था जिस पर चिड़िया का एक खूबसूरत घोंसला था, लेकिन वो पेड़ के काफी ऊपर था। रेमंड रॉबिन्सन देखना चाहते थे, बड़े शरारती थे वैसे, और देखने के लिए उन्होंने बगल में ही एक ट्रॉली लाइन बनी थी उस पर चढ़ गए और उस पेड़ के ऊपर चढ़ के उस घोंसले को देखने लगे, लेकिन अचानक उनका बैलेंस डगमगा जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी वे एक ट्रॉली लाइन नहीं थी उसके तार को पकड़ लेते हैं तब, और रे रॉबिन्सन जिस खंभे से घायल हुए थे उस खंभे में 1200 से 22000 वोल्ट की बिजली आ रही थी, मतलब जिस हाथ से हुआ था दाहिना हाथ और नाक मुंह और सभी चीजें उनकी वहीं पर भुंज जाती हैं और वे जले हुए अंडे की तरह दिखने लगते हैं। हाँ, यही पिलर, यही सब कुछ जो एक साल पहले एक लड़के के मौत के लिए जिम्मेदार था, रे रॉबिन्सन बच गए। डॉक्टरों की अपेक्षा गलत साबित करके रे रॉबिन्सन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने अपनी आंख नाक दाहिना हाथ खो दिया था जिससे उनकी शक्ल बहुत भयानक हो गई थी और भाई उसकी शक्ल बिल्कुल छिले हुए अंडे की तरह लग रही थी, बिल्कुल सपाट, कुछ बचा ही नहीं था मुंह में। बीवर कंट्री पेंसिल्वेनिया में रहते थे और यह घर पर रिश्तेदारों के साथ रहते थे और घर पर डोरमैट, पर्स और बेड बेचने के लिए बनाया करते थे। अपनी शक्ल होने के कारण यह दिन में नहीं निकल पाते थे, लेकिन वे रात में स्ट्रीट रूट 351 पे एक शांत रास्ते पर लंबी सैर के लिए एक छड़ी के साथ अपना महसूस करते चले जाते थे। ऐसे ही कभी घूमते हुए यह अपने आसपास रोड पे लोगों से मिल जाते थे और इनकी शक्ल देख के लोग बहुत डर जाते थे। इनकी शक्ल पर कुछ ऐसे चोट के निशान थे जो वक्त के चलते सही तो नहीं हुए, लेकिन उनका रंग हरे रंग का हो गया, इसी कारण से उन्हें ग्रीन मैन भी कहते थे लोग। रॉबिन्सन आमतौर पर अपने जिज्ञासु पड़ोसियों से छिपते थे, लेकिन कभी कभी बियर और सिगरेट के लिए एक छोटी बातचीत और एक तस्वीर का आदान प्रदान करते थे। कुछ मिलनसार थे, अन्य क्रूर थे, लेकिन उनकी किसी से मुठभेड़ नहीं। लेकिन रॉबिन्सन की रात की सैर कभी नहीं रुकी और वह अधिक से अधिक बार कारों से टकराए थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में अपना चलना बंद कर दिया था और बीवर कंट्री के सरकारी अस्पताल में सन 1985 में अपनी 74 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। रॉबिन्सन पीटर्सबर्ग क्षेत्र के एक मिथ बनकर रह गए और उनकी वास्तविक कहानी लेजेंड्स द्वारा अस्पष्ट थी। कहानी में वह ग्रीन मैन है और एक लड़के के रूप में वह एक चिड़िया के घोंसले में रहने के लिए एक बिजली खंभे पर चढ़ गया और अचानक से वे लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर गए और उनकी आंख नाक मुंह और एक कान और एक हाथ खो गया। कहानी कहती है कि जब वह बड़े हुए तो एक सुनसान घर में छिप गए। ग्रीन मैन का प्रसिद्ध उपनाम त्वचा से आया था जिसे कहानियों में बिजली के झटके के कारण हरा होने के लिए कहा गया था। कई पीढ़ियों के माध्यम से रॉबिन्सन की कहानी को इतना प्रेरित किया गया कि उनका नाम वास्तविक इतिहास भूत के रूप में ढक दिया गया। जो लेकिन भाई जो रॉबिन्सन पर बीती है वह सिर्फ रॉबिन्सन ही जान सकते हैं कि कैसे बिना नाक मुंह और एक हाथ के बिना कैसे उन्होंने जिंदगी काटी होगी और दिन में निकल भी ना सको ऐसी शक्ल हो गई थी। लेकिन भाई शरारत के कारण अपने इनके चोट लगी थी।
वहां पर पेड़ पे चढ़ने गए थे तब भी पे। फिल्म निर्माता टीसन यॉर्क 2008 में रूट 351 नामक ग्रीन मैन शहरी लेजेंड पर आधारित एक फिल्म का निर्देशक और निर्माण करने की योजना बनाई, जिसे उन्होंने 2009 में पूरा करने के बाद इसके ब्लूप्रिंट। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ नहीं भाई, टाटा बाय बाय, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।